बट ही हैज डन द रिलीफ पेंटिंग ऑन लिनो शीट, तो पिकासो ने भी बहुत काम किए हैं. तो इस तरीके से हम अब प्रिंट मेकिंग जो रिलीफ मेथड है उसकी हम शुरुआत करेंगे. शुरुआत में हमें क्या चाहिए इसके लिए बहुत सारी चीज़ों का हमें अरेंजमेंट करना होता है. बेसिकली ये चीज़ें बहुत छोटी छोटी होती हैं लेकिन सबको असेंबल करना ज़रूरी है. तो इसके लिए हमें सबसे इम्पॉर्टेंट है जो वुड. अब वुड जो है वो दो तरह की वुड का प्रयोग होता है इसमें. सबसे बेसिक जो है वो नेचुरल वुड, ये नेचुरल वुड है. जो नेचुरल वुड ये किसी भी पेड़ के कटे हुए जो प्लैंक है उसको हम प्रयोग करते हैं. बट इस नेचुरल वुड को पहले जो वुड कट होते थे वो नेचुरल वुड में ही होते थे क्योंकि उस समय हमारे पास अदर जो अल्टरनेट नहीं थे वुड के. तो नेचुरल वुड को लेकर के इसको प्रिपेरेशन करके आर्टिस्ट खुद इसको प्रिपेयर करता था या प्रिपेयर्ड वुड को मार्केट से लेकर के उसको पॉलिश करना. आफ्टर दैट पॉलिश करने के बाद अब ये जो नेचुरल वुड है ये भी वुड हार्ड वुड और सॉफ्ट वुड की उसमें आती हैं, रेंज में आती हैं. तो ये जो वुड है ये सॉफ्ट वुड हमें वुड कट के लिए चाहिए होती है. सॉफ्ट वुड जैसे रोज वुड है, पाइन वुड है और इस तरह के जो लोकल और नाम भी वुड के बहुत सारे हैं जो वुड का प्रयोग हम करते हैं. हार्डवुड में इन वुड का प्रयोग वुड के लिए नहीं करते. तो अब ये नेचुरल एक मीडियम मटेरियल. इसके अलावा जो है इसके अलावा ऑडिबल. यस सर, यस सर, जी 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 सर, बिल्कुल. ओके, तो दिस इज नेचुरल वुड एंड आई विल एक्सप्लेन द डिफरेंस दिस टू एंड दिस वुड कॉल्ड वुड MDF board, which is called board, and nowadays it is easily available in the market, in local market. So ये wood लेना बहुत आसान है. ये हरे इससे बिल्कुल smooth है. तो हमें जो lifting जो पर्दे हैं वो wood solve हो जाता है आसानी. इसमें कोई मेहनत नहीं करनी है. wood बहुत आसान से लो मार्केट में आप ले सकते हैं. ये जो वुड है ये दो तरह की वुड है. ये हैंडमेड वुड है, जो वुड जो डस्ट है उसको उससे बनाया गया वुड है. तो ये के मिलते हैं, एक वुड है वो मिला है. दूसरा जो वुड है आप लैमिनेटेड वुड मीन प्रूफ वाटर प्रूफ जो है काम कर रहे हैं. अगर वाटर प्रूफ नहीं मिलती है तो हमें वुड को एक प्रोसेस करना होता है. जैसे कि नेचुरल वुड है, वुड में क्या होता है ऑयल ऑब्जर्बेंट होता है, सूख कर लेता है. इसमें अगर आप ऑयल ड्रॉप करते कर लेगा तो हमें इसको सरफेस तैयार करना होता है. इसके लिए हमें जो वाटर बेस पीको या लैकर वगैरह वो हमें वुड में कोटिंग करनी, रस के साथ उसको कोट किया जाएगा जिससे होगा वुड जो है नेचुरल वुड जो है वो लैकेट हो जाएगी. वाटर वुड की बात कर रहा हूँ, जो वाटर वुड की बात कर रहा हूँ इसको लैमिनेट की जरूरत नहीं. ये ऑलरेडी इसमें प्रूफ है, लैमिनेट है. इसको मार्केट से लेकर है, आपको जो साइज है उस आपको मेजरमेंट से आप उसको कटिंग करेंगे. ये बड़े में आती 4x8x6 के साइज, 4x6 4x8 के साइज में मार्केट में अवेलेबल. तो इसको हम मार्केट से लाकर इसको कटिंग करके अपने जितनी रिक्वायर्ड है करना है आपको साइज में, तो कट करके इसको डायरेक्ट आप कर सकते हैं.
ये वुड की बात, ये वुड को लोकल मार्केट प्लाईवुड में मिल जाएगी इजीली, एमडीएफ बोर्ड या न्यूड के नाम। नेचुरल वुड आपको सौ मशीन या सौ शॉप पे जाना पड़ेगा, आरे जाके वहां से आपको लेके आना पड़ेगा, क्योंकि नेचुरल वुड से आप मार्केट में दे, तो इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। अब दोनों वुड का अर्थ क्या है मैं बता दूं, जो एमडी वुड है इसकी फेस बिल्कुल स्मूथ है, इसमें कोई डर नहीं कोई नहीं का, ये नेचुरल एकदम फिट है बिल्कुल। लेकिन जो नेचुरल वुड है, नेचुरल वुड जो है इसमें नेचुरल स्टेन से इसकी बनावट है, इसकी जो ग्रोथ है वो प्रॉपर डिटेल, ये इसमें रेशे बने उस तरह के, तो ये जो रेशे हैं इसमें डॉट्स हैं वो फाइन जो क्वालिटी, ये जो है ये भी मार्केट में इम्प्रेशन आता है। तो नेचुरल वुड में किया हुआ काम और दूसरे सरफेस किया हुआ बदली में, बट दोनों के कम यहाँ एक, तो ये नेचुरल हो गया। और पहले हमें काम शुरू करने से पहले हमें ड्राइंग, हम लोग जो इमेज बनी है ड्राइंग करने वो हमें पहले पेपर बनाना बहुत जरूरी है। जो मैंने बनाया पेपर में ये एक छोटा सा सीड है, सीड प्याज का सीड पत्थर है ये, तो ये बनाया ड्राइंग की। अब इसको मुझे थोड़ा सा डिटेल तो आउट ड्राइंग हुई, इसको मैं थोड़ा सा डेल ड्राइंग किया, ये इस तरह का शेडिंग में लाइट शेड, तो जो ये जो इफेक्ट ये जो शेडिंग है ये मैंने इस तरह से है कि जैसे मुझे वुड का इफेक्ट चाहिए, जैसे मैं वुड करना चाहता हूँ मुझे, तो हिसाब मैंने ये करके देखा है कि कहीं इसका इफेक्ट आएगा। हमें इसके ब्लैक एड करना तो ब्लैक एंड वाइट में माइंड या लिंक, ये मैंने ऑब्जेक्ट को ही ड्रॉ किया है, के अलावा बैकग्राउंड जो वो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तीन तरह हमने सही कर लिया। इसके अलावा एक वो मैंने बटरशीट में किया हुआ है, बटरशीट में बटर पेपर है पे भी एक मास्टर ड्राइंग ड्राइंग को आप करना है। इससे कैसे फायदे आप इसमें जो इसको आप दो या तीन में ट्रेस सकते हैं, तो वो मैं प्रोसेस अभी बताऊंगा कि कैसे इसको वुड को ट्रेस करना है। ट्रेस करने लिए आपको पहले ड्राइंग आपने, अब ड्राइंग वुड में कैसे ट्रांसफर करना है, इसलिए कार्बन का कार्बन शीट को लेके शीट है, कार्बन शीट हमारा जो वुड है, हमारा जो वुड है हम इसके ऊपर कार्बन शीट रखते हैं ऐसे, और इसके ऊपर ड्रॉ रखेंगे। ये रखने के बाद आप इसमें लाइन ड्रॉ करेंगे, वो लाइन आप नीचे का में सो जाए, तो इस तरीके से या तो आर्टिस्ट जिनकी ड्राइंग अच्छी है तो डायरेक्ट उसमें भी ड्राइंग करते हैं, जो नहीं है कि उसको ट्रेस, इस तरीके आप डायरेक्ट वुड में ड्राइंग कर सकते हैं मार्क करते। ये तो गई कि जो ड्राइंग निकले वो वुड में उसके सर्फ कैसे है। अब मैं क्या कर रखा है, आप ब्लैक एंड व्हाइट कटर करना है, तो ये वुड आपको मार्केट में मिलते हैं, ये इस पूरी कंप्लीट जो वुड कलर है पिंक लाइट ब्लू लाइट ग्रीन का इसमें डीटीए आ रहे हैं, बट बहुत निकल कम आ रहे हैं। तो आप कट करेंगे बट कार करेंगे तो हमें जो आप कट कर रहे हैं वो जो कट हो चुका है वो दोनों एरिया में फर्क को पता नहीं था, तो इसलिए क्या होता है
इसको एक ब्लैक इंक, ब्लैक इंक हम इसके ऊपर देते हैं, ये ब्लैंक है वाटर इंक, या बहुत एक्रेलिक जो है एक्रेलिक कलर वो पानी के मिक्स करके बिल्कुल पतला कोटिंग एक, या पूरा कलर जो है उसको इसके ऊपर कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, सरफेस क्रैक हो गया कि वुड जो है वो है दूसरा है ना, अंदर से सारा उसका कलर पिंक है लेकिन ऊपर सरफेस ब्लैक है। इसका फायदा ये होता है जब टूल चलाएंगे, टूल जब हम कट करेंगे, आपने जो कट किया है वो लाइन आपको दिखाई दे, तो उससे फायदा ये होता है कि जहाँ जहाँ कट कर वो एरिया हाइट आएगा और जो एरिया जो दिख रहा है कंप्लीट में ब्लैक रहने वाला है। इतनी जो वुड है इसमें ब्लैक ऑलरेडी प्लीट है, ब्लैक कलर है वो ऑलरेडी है, तो आपको इसमें लाइट क्रिएट करना है। आर्ट वर्क हम क्या करते हैं, जो कोई देख लेते हैं तो उसमें ड्राइंग करते हैं तो वाइट होती है, उसमें डार्क की तरफ जाते हैं, लेकिन ये जो वुड है ये ऑलरेडी डार्क है, में हमें लाइट क्रिएट कर जस्ट, तो लाइट को ऑब्जेक्ट में लेना है, इसमें मिनिमम लाइट क्रिएट करें और मैक्सिमम इफेक्ट दिखाई, जैसे नाइट है, नाइट सी है डार्क है सारा, उसमें आप कहीं थोड़ी सी लाइट दे दी कर दिया तो उससे सारा इमेज जो है वो बिल्कुल होता है लाइट के नीचे, हम कोई जो होती है ऑब्जेक्ट है वो लाइट काफी सारा दे रहा है, तो उस तरीके के जो स्केच है वो कट सूट कर, तो ये तरीके जो आप जब आज जब चुनाव करता है सब्जेक्ट का तो वो बीएम को देख के भी मीड को ध्यान रख करके भी सब्जेक्ट अपने चूज करे कि कौन सा सब्जेक्ट काम ना है तरह का, उसको सब्जेक्ट आपका कैसा है उसके साथ टेक्निक हो जाएगा मेकिंग वो ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम अभी बात करेंगे, इसके लिए मैं वुड ब्लैक वाटरप्रूफ पिंक लगा रखे हैं और इसमें जिंक भी ट्रे रखा है जिसको अभी कार्विंग कर दिखाऊंगा। मैं कार्विंग के लिए जो वूल की होते हैं मैं आपको आप थोड़ा नीचे करता हूँ, कार्विंग के लिए टूल यूज होते हैं वो तरह के टूल्स हैं जो देखेंगे, इसमें यू शेप टूल, इसकी जो शेप है वो यू फॉर्म में है, थोड़ा ब्रॉड है, थोड़ा ब्रॉड है इसकी इसकी जो गोलाई है वो चौड़ है, ये वैसे ही यू टूल लेकिन इसकी गोलाई थोड़ी कम चौड़ी है। ये एक प्रकार का दूसरा टूल है जो और डिजाइन है, यू शेप है लेकिन ये और थोड़ा रो है, ये बिल लाइन लाइन है जो यू फॉर्म में है, तो ये तीनों जो टूल है ये यू शेप टूल है और ये टूल का एक है मार्केट में, उस प्रकार जो टूल लिखिए ये वी शेप में सभी टूल का डिफरेंस होता है कटिंग में, जब हम वुड में चलाएंगे इससे कटिंग की लाइन है वो थोड़ी शेप में कट होगी, वी में कट होगी, और ये यू टूल की जो लाइन है वो यू फॉर्म कट होगी, मतलब थोड़ी शार्प गहरी नहीं होगी, थोड़ी ब्रॉड होगी, हल्की गहरी तरीके से, तो यू शेप टूल, वी शेप टूल और सिंपल नाइफ बेटर होते हैं, वो नाइफ होता है जो नाइफ फॉर्म में टूल एक इसका भी प्रयोग करते हैं, सिंपल हमारा जो नाइफ होती है हमको भी कार के लिए यूज करते हैं, इसकी नाइफ भी कार के लिए प्रयोग करते हैं। तो अभी मैं टूल आप ला के दिखा रहा हूँ, ये सब यू शेप टूल है जिसको मैं कार कर रहा हूँ यहाँ पर भी,
दिखाई रहा है ये कार्विंग करते हुए? यस सर ठीक है जी सर बिल्कुल दिख रहा है। हाँ जी बिल्कुल क्लियर सर। ये फाइन जो चल रहे हवा थोड़ा ब्रॉड भी हम देख सकता हूँ ब्रॉड भी वो ये अब जो टूल जो है टूल को कैसे वो ग्रिप करना है वो भी इम्पोर्टेंट है। टूल को ग्रिप करने का तरीका है वो ऐसे पेंसिल की तरह नहीं करेंगे थोड़ा प्रेशर है ताकत की है तो वुड को ये ऐसा है हाँ फंसा के इस तरीके इसके से इसको टूल को ऐसे जाएंगे तो आपको एक से रहना है दूसरा जो हाथ आपका दूसरा जो हाथ है इससे आपको इसको या यहाँ पर थंब लगा इसको ब्रेकेंगे या फिर से इस तरह से इसको रोकिंग ब्रेक लगा है बट होता है ना गलती से तो प्रैक्टिस से दीजिए आपका होता है एक जाम आप रहे हैं उसमें टूल जो है जब चलाते हैं तो हम जो चलाते हैं क्या ग्रिप करती नहीं वो कट जाती है स्लिप हो जाएगी वुड में आप जहाँ नहीं करना है वहाँ कट कर दे इसलिए इसको थोड़ा आपको कंट्रोल में रखें थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस से ये इजी हो जाता है। कार्विंग के समय मैं ऐसा हमारे स्टूडेंट्स को मैं बताता हूँ कि कार्विंग करने के समय ये टूल बहुत शार्प है टूल ने शार्प है कि अगर हाथ पे लग आपका हाथ हैंड जो या फिंगर है कट हो सकता है इसलिए हमेशा बच्चों को बताता हूँ कि वो ऐसे रख करके कुछ बच्चों में दर्द होती है ऐसे हमने से दबा लिया स्लिप होता है वुड ऐसे स्लिप किया है तो वो सामने हाथ रख के जैसे चला जैसा आप चलाया तो वो लड़के सीधा ग्रिप होता है तो ये वुड हमेशा आपको साइड से करना है साइड से ग्रिप कार्विंग आप ऐसे यहाँ नहीं तो आप कुछ एक होता है ड्राइंग होता है उसको उल्टा कर रख ले उल्टा कर रखने से क्या होता आप वुड जो है आपकी नहीं होती जो सरफेस स्लिप नहीं हो रही है तो उसको वुड को कट करने में आसानी है इस तरीके बहुत प्रेशर की जरूरत तो नहीं होती होगी शायद सर थोड़ा प्रेशर हल्का सा चाहता है ना भी स्मूथ ही है कि ये फर्क आपको इसलिए कह रहा हूँ ये वुड इसलिए थोड़ा हार्ड होता है सरफेस और अगर आप टूल सही है टूल आपका शार्प नहीं है प्रॉपर तो ज्यादा मेहनत करनी होगी अगर आप टूल है तो आपको मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी इसलिए ये आप टूल में बता दो ये एक हैंडल वाला टूल आता है ये चाइनीज या कोरियन टूल है ना तो ये आर्ट मार्केट में अवेलेबल है शॉप पे आर्ट मटेरियल जहाँ मिलता है उनका ये टूल जो है ये एक ही टूल है और टूल होते हैं मतलब 5-7 टूल होता है जिसमें ये में से एक टूल है तो ये टूल ये शेप पर बहुत बहुत ही अच्छा क्वालिटी का टूल है इसको आप इससे करेंगे आपको ज्यादा दिक्कत नहीं ज्यादा मेहनत नहीं रही तो ये बड़े आसानी से कट होते हैं। और क्या होता है बहुत सारे जो टूल हैं वो लोग क्वालिटी वाले मिलते हैं बाजार जिसको आप खरीद तो लेते हैं लेकिन घर आई उसमें एक साफ नहीं होती और बहुत सारे लोगों को साफ करने का तरीका नहीं पता कैसे साफ करना है तो वो तो आप टूल बार खरीदने के बजाय आप अच्छा टूल बार लीजिए आप ज्यादा समय तक काम होगा इससे ये टूल स्मूथ चला इसकी इसकी इसका मेटल है आगे मेटल इम्पोर्टेंट है कौन से क्वालिटी मेटल है तो इसका जो मेटल सामने का बहुत अच्छा है
सर बोर्ड कितने एमएम का लेना चाहिए मिनिमम? हाँ ये एमडी बोर्ड है, ये क्या बाजार है, ये इस पर पस दूसरे मार्केट में हमारे काम के लिए नहीं हुआ है, ये है तो दूसरे दूसरे काम लिए हुआ है, कारपेंटर है वो फर्नीचर बनाना है या कुछ रैक बनाना है या टेबल बनाना, उसके पर से काम मार्केट में दिए हैं, बट इसको अपने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो हमें ये बोर्ड है बहुत ज्यादा मोटा लेने की जरूरत नहीं है, इसमें मोटे बोर्ड आते हैं, इतने मोटे मोटे बोर्ड आते हैं, इतने मोटे जी, इतने बोर्ड आते हैं, तो वो लेने की जरूरत नहीं है, इतना मोटा बोर्ड हमारे काम का नहीं है, हमें इतना 4 mm का बोर्ड है या 6 mm का बोर्ड है हमारे काम सफिशिएंट है, उसके लिए 6 mm या 6 mm इस तरह का वुड हमें यूज ज्यादा है। और आप बहुत अगर आपने गहरा नहीं कटा है वुड तो वुड की दूरी भी यूज करें, एक साइड में काम लिया दूसरी जगह आपने कम काम कार्विंग ही की है अब वो दूसरी जगह ही दूसरे से काम करते हैं थोड़ा सा है ना। और एक वुड ये है मेरे पास बहुत सारा है, ये 2 mm का होगा, तो ये हम वन साइड ही काम करते हैं, okay. एक ही काम करते हैं, इसमें दूसरी तरफ काम करते हैं, तो ऐसा अगर 4 या 6 mm का वुड लें इसके दो तरफ काम करते हैं दोनों तरफ, ओके सर। एक है तो तरीके से एक मैं अभी यू शेप टूल से अभी काग रहा था, यू शेप टूल काग रहा था, मैं तो अभी यू शेप टूल का प्रयोग करता हूँ इसे, तो इस तरीके से ये मैंने 2-3 के टूल चलाए हैं, तो ये इसमें जो यूज किया है मैंने लाइन के लिए वेब का टूल यूज किया, ये ब्रॉड वाला जो शेप टूल है मैंने यूज किया, और ये जो है इधर मैंने यूज टूल है थोड़ा लाइन वाला है, बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं है, थोड़ा नैरो, तो आप लाइन के जो इफेक्ट है वो इजिली विजिबल है अलग अलग रह के। इसी प्रकार अब ये वुड है इसको प्रॉपर करने में थोड़ा टाइम लगेगा मुझे, तो इसलिए मैंने इस वुड को एक तैयार कर रखा हुआ है, कार्विंग का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, अगर आपको लगता है तो मैं आपको और इसमें क्लिंग करके दिख दिया, फिर इसके आगे प्रोसेस बता सर, आगे का बता सकते हैं सर आगे? हाँ ये मैं अब ये आगे वुड कर रहा ये ली जी सर, और ये जो मैं दूसरी ये मैं कार्विंग के थोड़ा तैयार कर रख। हाँ जी सर। हाँ तो देखे यहाँ से जी बिल्कुल क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर। तो ये हाँ जी सर बहुत सुंदर, मैं तो ये कार्य में कम्प्लीट कर रखा हुआ है काम की है ना वक्त में, तो इसमें मैंने ये जो बहुत बारीक लाइन है ये लाइन में इसमें बारीक है बारीक, तो भी हम इतनी लाइन ले करके हमने मोटे मोटे में स्ट्रोक हम लगा सकते हैं मोटे मोटे स्ट्रोक, तो ये भैया ये कार्विंग ये इसका देखिए, अब मैं कटिंग कर रहा था इस वुड में जब कार्व कर रहा, ये ब्लैक इस तरह का वुड था, जब मैंने टूल चलाना शुरू किया तो मुझे लाइन मिस हो गई, पिंक कलर जो है वुड का तो मुझे दिखना हो गया, ये जो कार्विंग का अब जो ये कट हुआ है ये वाइट इंप्रेशन है, जो शीट है ये वाइट है बाकी सरफेस कंप्लीट ब्लैक है, यस सर है ना ठीक है जी। तो
अब ये अभी से ये व्हाइट ये ब्लैक क्यों आया ऐसा, क्योंकि ये वुड जो सरस है वो फ्लैट, अब हमें फ्लैट हम रोलर से इंक लगाते हैं, रोलर यूज करते हैं करके, जब इंक लगाते हैं तो इंक जो है वो ऊपर की सरस में ही लगती, वुड के ऊपर सरसेस लगेगी जो हमने कट कर दिया है, जो हमने गया लाइन कट की है, रोलर वहां तक इंक नहीं टच करता, वो इंक लेस रह जाए। तो इस तरीके से जहां हमने कार्विंग की है वहां वाइट रहता है, जहां कार्विंग नहीं की है वो इंक के कारण आपको ब्लैक रशन दिखाई देता है। तो इस तरीके से ये जो है एक्चुअली कट जो है अब वुड का इजी एग्जांपल अपने हाथ में भी हम देख सकते हैं, थंब लगा था अंगूठे का इंप्रेशन देते हैं, तो हम पैड में हाथ करके थंब करके जब पेपर प्रिंट करते तो क्या होता है, एक इंप्रेशन आता है जिसमें जो लाइन से आप थंब की जो लाइन है वो वाइट आते हैं कहीं, वो एक क्यों है क्योंकि आपके थंब पे वहाँ पर लाइन है, स्किन जो टेक्सचर है वहां पर इंक नहीं लगी, और जहां इंक लगो ब्लैक है वहां पर इंक। तो ये सबसे इजीएस्ट एग्जांपल है रियल प्रिंटिंग का, हैंड इम्प्रेशन थंब इम्प्रेशन सबसे इजी। उसके बाद जो बताया स्टैम्प है, अब ये जो इमेज बनाई है ये मुझे तो ऐसे दिख रही है लेकिन जब फिल्म में हम इसको ले जाएंगे तो उसमें इसका मिरर इमेज आएगा, मिरर इमेज मतलब आईने में जैसे आईने में देखा आईने में जो हमें दिखा वो फ्रंट में, तो इसी के सेम प्रकार है। तो हमें कई बार हमें कंपोजिशन जो है उनको ध्यान में रख करके चलना है, जैसे हमें कंपोजिशन में राइट हैंड खाना है तो वे कोई एक गाना है, जैसे हम राइट हैंड खाना खा कंपोजिशन में दिखाना है तो वो राइट हैंड से खाना खाने के दिखाने के लिए हम वुड में उसको लेफ्ट हैंड से खाते हुए दिखा पड़ेगा, तब जो उसका जो प्रिंट इंप्रेशन आएगा वो राइट हैंड से खाते हुए आएगा। तो इसी के से सोच के भी कंपोजिशन चलने पड़ते हैं। तो ये हमारा उसका कार्विंग का मेथड वुड कट किया, हमें कोई प्रोसेसिंग नहीं करनी होती है, तो इसके लिए ये जो इंडिया बोर्ड है इसे कंप्लीट प्रोसेस किया हुआ है। मैंने बताया कि कोई लेमिनिन कोटिंग करनी है कुछ नहीं, मैं केवल आपको ब्लैक वाटरप्रूफिंग अप्लाई करना है, इसके कारण आप कटिंग और नॉन कटिंग एरिया इंच है उसमें आप डिफरेंस आपको दे। तो यहाँ पे नॉन कटिंग यह है, ये है पिंक कलर है, ये कटिंग है, दोनों आपको आप आपके सामने जो इमेज है वुड का जो इंच है वो कंप्लीट पर दिखाई देने का आना है। आप अगर इसको प्रूफ प्रिंट निकल सकते हैं नेट डिस्टन है तो वो और कार्विंग कर सकता है। तो ये इस अब एक तरह और है, दूसरा जो है इसको मैं इस पहले दो तीन मैंने प्रिंट निकाल रखे हुए हैं जो बेस कलर, अब जैसे मैं लगता है ये कार्विंग रिवुड, अब मुझे लगता है कि नहीं ये कार्विंग मैंने कर ली, लेकिन इसके पीछे जो मुझे जहाँ वाइट है वो वाइट नहीं लेना है, मुझे पर कोई दूसरा कर लेना है ना, एक फ्लैट कर लेना है। तो वो फ्लैट कलर लेने के लिए हम क्या करें, हम इसका एक दूसरा वुड लेंगे, जो आप वुड लिया है इसी से दूसरा वुड लेंगे, उससे हम कलर हम लेना चाहते हैं वो हमने बनाया और उसको से रोल करके उस वुड को पेंट करके लिया हमने, बाद में हम उस ऊपर हम इमेज को बाद में प्रिंट लेंगे। तो इस तरीके हमारा ब्लैक वो पीछे के सब में कलर आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। और अब इसमें दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं प्रिंटिंग में, प्रिंटिंग दो इम्पोर्टेंट चीज क्या है, एक है ब्लॉक मेकिंग और दूसरा है आपका प्रिंट, है ना। प्रिंटिंग में क्या है कि हमने एक कैनवास या हमने कलर लगाना शुरू किया, हमारे पास हमने इंप्रेशन है
बट स्क्रिप्टिंग एंडिंग में ब्लॉक तो तैयार किया है, अब ब्लॉक जो तैयार दे आप कब से अच्छा आ जाए ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आप ब्लॉक अच्छे से तो प्रिंट आपका अच्छा आ जाए, उसके लिए आपको प्रिंटिंग ही अच्छी करनी पड़ेगी। सर शायद आपने अगर ब्लॉक जी सर, सर शायद आपकी तरफ से नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं है शायद सर, आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं है सर। कट कट के आ रही है एक्चुअली आवाज, हम लोगों को प्रोसेस पता है तो हम तो समझ पा रहे हैं जी सर। मेरे पास अभी मैं सुन रही थी, मेरे को लगा फिर मैसेज आने शुरू हो गए तो मैंने इसलिए बोला, वरना तो मेरे को लगा मैंने कहा चलो नहीं वो फिर भी कोशिश कर रहे हैं। पता है ना तो हमें तो आ रहा है समझ में, स्टूडेंट जिनके लिए नया है मीडियम वो उनको दिक्कत हो रही है, वो मैसेज कर जा रहे हैं। अच्छा जी मैंने हालांकि मैंने इसमें बॉक्स में डाला है जी सर, मैं हाँ लिखा है मैंने इसी लिए, लेकिन दिक्कत है थोड़ी। नेटवर्क ही होगा मैम, नेटवर्क की प्रॉब्लम उन्होंने शुरू में ही बोला था कि मेरा वीक है जी जी नेटवर्क की प्रॉब्लम है मैडम, वाईफाई एक्चुअल में ऑफ था। हेलो जी सर, आ रही आवाज अभी जी सर? वाइस मेरे ख्याल में भी कनेक्ट हो पर दिख रहे हैं सर? दिख तो रहा है सर, वॉइस क्लियर नहीं है, आवाज आ रही है, आवाज गूंज भी मैडम आया सही कुछ? हाँ जी सर जी, अब सर ठीक है? हाँ सर अब ठीक हुआ सर, आवाज आ रही है जी? हाँ जी पहले तो से बहुत बेटर सर। मैं डिफाइन कर रहा था कि वुडकट में दो चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है, एक तो आपका वुड ब्लॉक जो है आपका प्रॉपर कट हुआ है कि नहीं हुआ है जी सर, और दूसरी चीज जो है प्रिंटिंग, इसकी प्रिंटिंग जब हम प्रिंटिंग करते हैं वो एक दूसरा पार्ट है, तो ये दोनों पार्ट मिल करके हमारा प्रिंट मेकिंग कंप्लीट होता है। तो इसके लिए आपको जो वुड आपने कट की है वो अगर आपने बहुत अच्छे से कार्विंग तो कर ली है, आपने वुड बहुत अच्छे से कट कर ली है, लेकिन आपको प्रिंटिंग का प्रोसेस अगर नहीं पता प्रॉपर कैसे प्रिंट करना है, कैसे क्या अरेंजमेंट करनी है, तो वो आपका प्रिंट जो वर्क है वो आपका प्रॉपर इंप्रेसिव नहीं लगेगा। प्रिंट तो निकल आएगा लेकिन प्रिंट की क्वालिटी जो है वो आपको अच्छी नहीं मिलेगी। तो उसके लिए दोनों पार्ट को बहुत जानना बहुत जरूरी है, एक तो आपको जो वुड कट है वो कैसे कट करना है, आप बहुत अच्छा कार्विंग कर रहे हैं, बहुत अच्छे टूल आपने यूज किए हैं, बहुत अच्छी वुड आपने लेके आए हैं मार्केट से, लेकिन अगर आपने उसका प्रोसेस नहीं किया मतलब कैसे उसको फॉलो करना है तो वो उन अच्छी चीजों का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए दो हमारे कंपोनेंट है, एक ब्लॉक मेकिंग
और दूसरा उसकी प्रिंटिंग। तो प्रिंटिंग में भी अब हमें बहुत सारी चीजें, हम जैसे पेंटिंग करते हैं तो हम ब्रश कैसे, कौन सा अच्छा ब्रश है हमें, हम चेक करके लेते हैं कौन सा पेपर हमें लेना है, कौन सा कैनवास हमारे काम के लिए अच्छा होगा। तो उसी प्रकार हम इन मटेरियल्स का भी हम वैसे ही चुनाव करते हैं। अब इसके लिए जो प्रिंटिंग के लिए जो पेपर है वो पेपर कौन से ही लेने हैं, पेपर आपको बहुत ज़्यादा टेक्सचर पेपर का प्रयोग नहीं करना है, आप इसके लिए चिकना स्मूथ सरफेस पेपर जो है, ग्लॉजी पेपर भी नहीं यूज करना है, मैट स्किन स्मूथ पेपर पेपर का कैन है और थोड़ी मतलब बहुत ज्यादा कट रही है सर, पहले से भी ज्यादा। अब अभी बीच में सही आई थी सर, अब अचानक फिर कट गई। आपने जो पेपर्स बोले सर वो कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं क्लियर हुए। एक सुनाई दिया एवरी शीट पर है, एक कैन है, कैन के बड़े प्रकार है, पैबलो है, पैबलो और कार्टेशियन आरिश चीज आरिश तो हम उसको देखते हैं कैन की इस दो पर हम इसमें भी करते हैं। तो बहुत बार हम प्रिंट करते हैं स्केचबुक करके हम सब करते हैं। अगर क्वेश्चन आए हैं मुझे सर, क्वेश्चन तो आए सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही सर, सर बहुत ज्यादा कट रही है। हेलो, वॉइस आ रही है? हाँ जी मैम, सर पहले से भी ज्यादा खराब हो गई, पहले फिर भी कुछ समझ आ रहा था सर। वीडियो आ रही है? वीडियो आ रही है सर, क्लियर वीडियो आ रही है। इट मींस नेट तो होना चाहिए आई थिंक। वीडियो अगर चलिए तो वीडियो, फिर ऑडियो में दिक्कत, आवाज आ रही है अभी? यस सर। सर आ रही है आपकी आवाज? आवाज आ रही है ना, मतलब जी 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 सर आ रही है आपकी आवाज। आगे आगे बढ़े कहाँ पे? जी हेलो जी जी सर। हाँ मैं बोल रहा था कि अगर कोई क्वेश्चन अगर है, कोई पूछ रहा है तो मैं आप पूछ सकते हैं, मैं आप बीच में जी सर क्वेश्चंस तो क्वेरी तो बहुत है सर, पर सर आपकी क्योंकि वॉइस नहीं क्लियर है तो वो कोई भी पार्टिसिपेंट नहीं समझ पा रहा सर, बहुत ब्रोक ब्रेक हो रही है सर वॉइस आपकी। तो सर या तो आप क्या इंतजाम किया है सर? छवि ऐसा करते हैं कि क्वेश्चंस ना आप सारे भेज दो सर को, तो मैं आपको व्हाट्सएप करती हूँ सारे क्वेश्चंस, रिप्लाई करेंगे और सर रिप्लाई कर देंगे और एक अपनी वीडियो बना के भेज देंगे सर, तो वो हम YouTube चैनल पे डाल देंगे और उसका लिंक सबसे शेयर कर देंगे, क्योंकि सबके मैसेज हैं मेरे पास, फोन आ रहे हैं कि नहीं हो पा रहा। अच्छा बताइए सर क्या करें सर। अभी तक ये बिल्कुल सही था, ये पता नहीं क्यों अभी डिस्टर्बेंस आ रही है। अभी तक इसके लिए
और की वेबिनार का एक मैंने ट्रायल किया, उसमें सब नहीं आया। सर आपका जो ब्लूटूथ है जी वो हटा के अगर आप सिंपल ईयरफोन्स यूज करके देखिए, ब्लूटूथ से आप कर रहे हैं, ब्लूटूथ में आप सिंपल ईयरफोन्स यूज करके देखिए, देखिए आ रही। हाँ जी सर, अब आ रहा है? हाँ जी सर, अब क्लियर है सर। हाँ, गुड मनिंदर, बढ़िया बताया उसने। अच्छा यही है कनेक्शन वीक सर, फिर से वीक हो गया, अनस्टेबल है कनेक्शन इंटरनेट के, तो यही एक इलाज है सर। वीडियो सर, वीडियो आप अपनी वीडियो ऑफ करके देखिए, एक मिनट में आपसे बात कर पा रही हूँ क्या? हेलो सर, आप अपनी वीडियो ऑफ कीजिए सर, वीडियो ऑफ करके हम शायद बात कर सकते हैं। नेट जी सर, हाँ जी सर, अब वॉइस आ रही है सर। अभी हाँ जी सर, अब क्लियर है सभी क्वेश्चन आंसर्स। हाँ जी मैं करती हूँ सर। एक तो किसी ने डेमो टूल्स को शार्प करने का थोड़ा प्रोसेस पूछा है सर जी। वैसे अच्छा, तो वो डेमो चाह रहे थे सर, वैसे तो वो डेमो चाह रहे थे। अच्छा अच्छा, टूल शार्प करने का भी मैं डेमो दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। टूल एक्चुअल में टूल बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं जब आर्टिस्ट काम करता है, वो डैमेज इसलिए होते हैं कि ये टूल बहुत शार्प होते हैं, शार्प होते हैं, और जब हम इसको क्या होता है, हम जब काम करते होते हैं तो टूल कहीं गिर गया, जमीन पे गिर गया, तो वो बैंड हो जाता है सामने से, और जैसे बैंड होता है वो फिर वुड में सही चलता नहीं है, उसकी जो एजेस हैं वो खराब हो जाती हैं। तो उसको शार्प करने का एक तरीका होता है, आपके पास दो मटेरियल होने चाहिए शार्पिंग के लिए, एक तो रेती। अब जब अगर मैं वीडियो ऑन करूं तो इसमें दिखाई देगा। जी सर, हाँ सर, नाउ वॉइस इज वेरी गुड, आवाज क्लियर आ रही है, बट उससे आवाज से काम होगा नहीं ना जी। हमें तो वीडियो चलाना है सर, आप पहले सब जवाब दे दीजिए, फिर हम लास्ट में वीडियो से सब चीजें देख लेंगे। हाँ, तो टूल शार्प करने के लिए आपको ये रेती मिलती है मार्केट में, रेती, रेती के नाम से जी सर। रेती वो फाइन एकदम पेंसिल की तरह रेती आती है, वो रखना बहुत जरूरी है आपके पास। और इसके अलावा एक दूसरा कार्बोनेडम स्टोन आता है, शार्पनिंग स्टोन। हेलो, हाँ जी सर, जी 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 सर, सर ये अवेलेबल होते हैं इजीली। हाँ, नॉर्मल मार्केट में इजीली अवेलेबल है ये दोनों, रेती तो अक्सर सबके घरों में होती है। हाँ जी, अगर ये नहीं है तो बहुत अच्छा एमरी पेपर बोलते हैं, एमरी पेपर फाइन मार्केट 1000 नंबर का या 2000 नंबर का एमरी पेपर ले लीजिए, उस पे भी हम टूल को शार्प कर सकते हैं। जी ओके सर, हाँ जी। अब ये टूल शार्प करने का एक थोड़ा प्रोसेस है, जैसे वी शेप का टूल है, तो वी शेप को टूल को आपको दो तरह से आपको शार्प करना है, जिससे कि उसका जो वी शेप है वो शेप खराब नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो वी शेप कट नहीं करेगा, वो क्या करेगा, यू शेप में कट करने लगेगा आपका टूल जो है।
और जो यू शेप टूल है इसको शार्प करने के लिए इसको थोड़ा घुमाना पड़ता है टूल को, जब स्टोन पे आप जब चला रहे हैं स्टोन पे तो उस पे थोड़ा सा घुमाना पड़ता है, हैंड को थोड़ा घुमाना पड़ता है, जिस फॉर्म में यू शेप टूल है उस फॉर्म में उसको आगे से उसको घुमाना है थोड़ा सा, जिससे सामने का जो एज है वो बिल्कुल फाइन शार्प हो जाता है। तो ये तरीका है। और जो एमली पेपर है आपका, जो रेती है जिसको बोलते हैं रेती, इस रेती से वी टूल का जो एकदम जो उसका जो गहराई है उसको शार्प करने में मदद मिलती है अंदर से। ओके सर। तो बाहर से हमने स्टोन से कर दिया और अंदर से हमने रेती से कर दिया, इस तरीके से तो दोनों तरफ से वो शार्प हो जाते हैं। एक कुछ ऐसा, देयर इज अ लॉट्स ऑफ चाइनीज टूल्स अवेलेबल इन मार्केट फॉर वुड कट्स, प्लीज रिकमेंड बेस्ट ऑप्शन विच योर एक्सपीरियंस। मैंने बताया था वो ब्लू हैंडल वाला जो चाइनीज टूल है, ब्लू हैंडल इसके ये मिल जाते हैं। अब क्या है ना, हम बहुत सारे वैरायटी ऑफ टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, तो ये किसी कंपनी के नाम से आपको अमेजोन पे भी मिल जाते हैं। अमेजोन पे आप जाएंगे, वुडकट के टूल आप उसमें एंटर कीजिए, आपको अमेजोन पे भी मिल जाते हैं ऑनलाइन, आपको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं, आपके घर पे वो टूल ला के दे देंगे। तो ये टूल की कॉस्ट जो है 600-700 ऐसे टूल की कॉस्ट होती है। इसमें 5 टूल का सेट होता है जो बहुत अच्छे चलते हैं और ये लॉन्ग लास्टिंग भी है, ये बहुत जल्दी ख़राब नहीं होते। इनकी सबसे अच्छी खासियत है कि ये ख़राब नहीं होते जल्दी और अच्छे चलते हैं। और जो दूसरे एक और टूल आता है आप जिसमें 10-12 टूल के सेट होते हैं, वो आपको मार्केट में लोकल लोकल स्टेशनरी शॉप में मिल जाएंगे, लेकिन वो टूल लेने का कोई फायदा नहीं है, वो ना तो शार्प होते हैं ना आपको उससे कटिंग कर सकते हैं। तो हम क्या होता है, हम ये देखते हैं कि अरे 300 रुपये में 10 टूल मिल रहे हैं हमें, है ना, तो हम वो देख करके हम ले लेते हैं अट्रैक्शन कि नहीं इतने सारे टूल मिल रहे हैं, लेकिन वो टूल का कोई फायदा नहीं है, उसमें से एक टूल भी चलता नहीं है प्रॉपर। तो आप जब टूल खरीद रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट है आप टूल को वहीं शॉप पे ही थोड़ा सा चेक करके देखिए। जैसे हम पेंटिंग के ब्रश लेते हैं तो हम ब्रश को चेक करते हैं भैया अच्छा ब्रश है कि नहीं, तो उस तरीके से हम टूल को भी चेक करके हमें लेना चाहिए। Okay. जी सर, एक कुछ है, when we are going to start woodcut on new wood or MDF board, light fevicol varnishing is necessary or not? No, मैंने बताया that this wood it becomes in two variation. एक तो normal जो है MDF मिलता है बाजार में, दूसरा जो है वो एक laminated waterproof MDF मिलता है। So waterproof MDF जो board है उसमें आपको कोई lamination की जरूरत नहीं है, कोई फेविकॉल कोटिंग की जरूरत नहीं है, कोई आपको लैकर की कोटिंग की जरूरत नहीं है, वो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। जो और एक है जो नॉर्मल जो थोड़ा सा उसकी कॉस्ट कम होती है, जो वाटरप्रूफ शीट है एमडीएफ है उसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन उसमें आपको इम्प्रेशन बहुत अच्छे मिलते हैं। और जो दूसरा नॉर्मल शीट आती है उसमें वो वाटर बेस नहीं होता, तो वो उस शीट में हमें फेविकॉल की एक कोटिंग करनी जरूरी होती है, और वो इतना स्मूथ भी नहीं होता और वो हार्ड भी होती है। जो लैमिनेटेड शीट होती है वो बहुत स्मूथ होती है, फिनिश होती है, और उसको कार्विंग में आसानी भी होती है, ये हमने देखा है करके। जी सर। सर नेक्स्ट पूछा है, वुड कट में किसी प्रकार की लकड़ी प्रयोग करते हैं, रेशे वाली या बिना रेशे वाली, और वह मुख्यतः किस पेड़ की होनी चाहिए? नहीं, लकड़ियां तो सारी ही रेशे वाली होती हैं, लकड़ियों में रेशे होते ही होते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ रेशों का मतलब वैसा नहीं जैसे जैसे अंगूर की बेल में रेशे होते हैं, वो उस तरह की वुड हम यूज नहीं करते। हमें रेशे ग्रेन्स तो होते ही हैं, फाइबर तो होते ही है लकड़ियों पे, नेचुरल वुड पे। नेचुरल वुड जो है हमें सॉफ्ट वुड लेनी होती है। हम ये सॉफ्ट वुड जो है आप मार्केट में अपना टूल लेकर के जाएंगे, वहाँ पर थोड़ा सा वुड को चेक करके देखिए कि ये सॉफ्ट है कि हार्ड है ना। वुड आपकी जो नेचुरल वुड अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो गीली नहीं होनी चाहिए, सूखी वुड होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए, बहुत अच्छे से प्रॉपर सीजन की होनी चाहिए। और
जब आप नेचुरल वुड मार्केट से लेके आते हैं तो वो आपको अनफिनिश्ड तरीके से मिलती हैं, तो उसको घर पे ला करके उसको आर्टिस्ट को खुद ही उसको या कारपेंटर को दे दीजिए, वो उसको थोड़ा स्मूथ करेगा, फाइन करेगा सरफेस को। अब जब कारपेंटर ने करके दे दिया आपको, उसके बावजूद भी आर्टिस्ट को अपने काम करने के लिए उस सरफेस में उसको प्रिपेयर करना पड़ता है, उसको और एक्स्ट्रा स्मूथ करना पड़ता है। जैसे बहुत 1000 नंबर या 2000 नंबर का एमडी पेपर, सैंड पेपर उस पर मार के उसको बहुत अच्छे से फिनिश करना होगा, उसके बाद ही आप उस वुड को यूज कर सकते हैं। तो सॉफ्ट वुड में रोज वुड है, पाइन वुड है, ये सब वुड यूज कर सकते हैं। इवन जो आपके हमारे पास जो आजकल ड्राइंग बोर्ड आते हैं, ड्राइंग बोर्ड में जो वुड यूज की जाती है वो वुड भी हम यूज कर सकते हैं, उस पर भी वुड कट हो सकता है। वुड कट और वुड एंग्रेविंग दो अलग अलग चीजें हैं, जो हम इसीलिए फाइबर वाले जो फाइबर जो होती हैं वुड पे उसको कटिंग कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, उसमें एंग्रेव नहीं कर सकते। तो इसका भी फर्क है दोनों का। ये रेशे जो हैं वो वुड में होते ही होते हैं थोड़े बहुत, तो वो कटिंग टूल से वो कट हो जाते हैं इजीली। जी पेपर टाइप एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, वो तब वॉइस नहीं क्लियर थी। हाँ जी, पेपर देखिए, वुड कट के लिए पेपर आप रिलीफ की जितनी मेथड है उसमें आपको सभी मेथड में, सभी टेक्निक में रिलीफ के आपको स्मूथ पेपर का प्रयोग करना है। स्मूथ मींस जो सरफेस है बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए, उसमें बहुत ज्यादा ग्रेन्स नहीं होने चाहिए। ग्रेन्स जो पेपर की ग्रेन्स, कुछ पेपर आते हैं जो बहुत ग्रेन्स होते हैं जो ड्रॉइंग के लिए अच्छे होते हैं, तो हमारे प्रिंटिंग के लिए अच्छे नहीं होते। तो उसके लिए हमें स्मूथ सरफेस पेपर प्रयोग करना होता है, जिसमें कैंसन के पेपर आते हैं, कैंसन के शीट्स आती हैं, जिसमें कैंसन की अब मोटाई जो थिकनेस है वो पेपर की भी कितनी होनी चाहिए ये भी डिपेंड करता है। आप ऐसा नहीं कि 300 GSM का पेपर लेकर के उसमें प्रिंटिंग करना शुरू कर दें हाथ से, तो प्रिंट अच्छा आएगा नहीं। आपको 200 GSM तक का पेपर आप प्रयोग कर सकते हैं प्रिंटिंग के लिए, हैंड इम्प्रेशन, हैंड प्रिंटिंग के लिए। और अगर मशीन में प्रिंट कर रहे हैं तब उसमें आप 300 GSM में भी प्रिंट कर सकते हैं, उसमें इंप्रेशन आ जाता है, तो ये फर्क होता है। दूसरा है फैब्रियानो शीट आती है, फैब्रियानो पतली शीट 150 GSM या 200 GSM, ये शीट्स आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा कांटे शीट बहुत नॉर्मल शीट है, वो उसका प्रयोग कर सकते हैं। स्कॉलर शीट, स्कॉलर के नाम से एक शीट आती है, वो भी यूज कर सकते हैं, अच्छी कार्टेज होती है वो, इटालियन कार्टेज। दूसरी है आइवरी शीट्स, हमारे इंडिया में कार्ट शीट के नाम से मिलती हैं, तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे, आप जैसे पेपर शॉप पे जाएंगे, पेपर मार्ट पे जाएंगे, तो वहाँ पर बहुत सारे आपको पेपर ऐसे मिल जाएंगे काम के लायक, जो आप आधे प्रिंटेड होते हैं, कुछ उसमें प्रिंटेड इमेज होती है, आप उसको अपने काम में वुड कट के साथ में यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं और नया कुछ काम कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह के भी शीट्स अवेलेबल है मार्केट में, तो हमें खुद जा कर के हमें चेक करना होता है कई बार कि क्या हमारे काम के लायक मिल रहा है मार्केट में। जी सर, वुड कट और वुड एंग्रेविंग का ही पूछ रहे हैं सर, डिफरेंस दोनों में डिफरेंस। हाँ जी, देखिए वुड कट और वुड एंग्रेविंग दोनों रिलीफ प्रोसेस है, दोनों प्रोसेस रिलीफ का है, बट दोनों में बहुत फर्क है, बहुत डिफरेंस है। अब देखिए वुड कट जो हम अभी आज देख रहे हैं, ये वुड कट है एक्चुअल में, हम इसमें वुड को कट कर रहे हैं, इसके टूल डिफरेंट होते हैं और वुड एंग्रेविंग के टूल डिफरेंट होते हैं। वुड एंग्रेविंग के लिए हम ग्रेवर वगैरह का प्रयोग करते हैं, ग्रेवर या ब्यूरिन टूल के नाम है, वो प्रयोग होते हैं। और वुड एंग्रेविंग के लिए, वुड कट के लिए, दोनों के लिए नेचुरल वुड का प्रयोग होता है, लेकिन दोनों की जो जो वुड का फॉर्मेशन है वो डिफरेंट यूज होता है। हम वुड कट के लिए हम लकड़ी को हम प्लैंक यूज करते हैं, प्लैंक है ना, और वुड एंग्रेविंग के लिए हम लकड़ी की स्लाइस यूज करते हैं। स्लाइस मीन्स, अब जैसे एक तना है, तने को ऊपर से स्लाइसिंग करेंगे तो कैसे एक लेयर निकलेगी, ऊपर से कट कर रहे हैं, तो
उसमें क्या होता है, आपको एक लिमिटेड साइज होता है, जितना मोटा वुड का तना होगा, ट्री का तना होगा पेड़ का, उतना ही आपको गोलाई मिलेगी वुड एंग्रेविंग के लिए। वुड कट के लिए आपको प्लैंक यूज करने हैं तो आप लंबे लंबे फट्टे यूज कर सकते हैं, बड़े बड़े पीसेस, है ना। तो ये होता है। अब दोनों में फर्क क्या है, वुड कट के लिए हम सॉफ्ट वुड यूज करते हैं, वुड एंग्रेविंग के लिए हम हार्ड वुड, जितना हार्ड वुड होगा उतना हमारा वुड एंग्रेविंग बढ़िया क्वालिटी का आएगा, उसका प्रिंट उतना ही अच्छा होगा। तो वुड एंग्रेविंग में हार्ड वुड यूज होती है, वुड कट में सॉफ्ट वुड यूज करते हैं हम। दोनों का जो वुड एंग्रेविंग में हम एंड ग्रेन वुड यूज करते हैं, एंड ग्रेन जो मैंने बताया स्लाइस यूज करना है, दैट पार्ट इज कॉल्ड एंड ग्रेन। और जो वुड एंग्रेविंग वुड कट है उसमें जो वुड यूज होती है वो साइड ग्रेन वुड यूज करते हैं हम, साइड ग्रेन के नाम से, ठीक है। इसके अलावा जो टूल का दोनों में फर्क है, और इसमें दोनों प्रोसेस जो है वो रिलीफ के ही हैं। तो वुड एंग्रेविंग में छोटे छोटे काम, छोटे छोटे पैनल पे उसको जॉइंट करके फिर बड़ा करके काम किया जाता है, और वुड कट में भी ऐसे बड़े बड़े काम करने हैं तो आपको प्लैंक जोड़ करके उसको जॉइंट करके बहुत अच्छे से बड़े बड़े काम करते हैं, तो इस तरीके से काम होता है। तो अल्बर्ट ड्यूरन ने वुड एंग्रेविंग भी किया है, वुड कट भी किया है, दोनों ही किया है, इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। सर एक क्वेश्चन है मनु शर्मा का कि यू और वी टूल दोनों में से जब हम शुरू करते हैं कोई चॉइस है क्या, हमें पहले कौन सा यूज करना होता है? नहीं नहीं ऐसा कोई चॉइस नहीं है, ये आर्टिस्ट के खुद के उसमें डिपेंड करता है कि वो कौन सा पार्ट पहले कट करना है, कौन सा बाद में कट करना चाहता है। दोनों टूल का इम्प्रेशन अलग आता है, दोनों टूल का इफेक्ट अलग आता है, तो वो आर्टिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा इफेक्ट वो अपने काम में लाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। तो वो आगे पीछे कैसे भी कर सकते हैं, कोई ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पहले वी टूल यूज करना है, पहले यू शेप टूल यूज करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आर्टिस्ट के अपने चॉइस पे डिपेंड करता है, वो कैसे भी उसको शुरुआत कर सकता है। मनिंदर सिंह ने पूछा है आर्टिस्ट सनतकर ने यूजिंग वुड इंटेग्लियो, व्हाट वाज दैट, इट इजंट पार्ट ऑफ वुड एंग्रेविंग? नहीं नहीं नहीं, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ वुड एंग्रेविंग। वुड इंटेग्लियो पार्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देखिए वुड इंटेग्लियो डिफरेंट है, वुड इंटेग्लियो ऐसा है कि इसका मेथड मैंने प्रिंट मेकिंग में जो मेथड है वो बताएं कि एक पहला रिलीफ है, दूसरा इंटेग्लियो है, तीसरा जो प्लेनोग्राफी या लिथोग्राफी है, चौथा जो है सेरीग्राफी है, स्टेंसिल प्रोसेस, तो इस तरह के प्रोसेस हैं। अब मैंने ये जो वुड कट किया है सिंपल, जो आज मैंने ये वुड किया इसमें कटिंग की है, इसको मैं प्रिंटिंग मेथड कौन सा यूज कर रहा हूँ अभी वुड कट के लिए, रिलीफ। अगर मैं रिलीफ मेथड में ना करके इसको मैं इसमें इंक फिल करके, थंब से इंक फिल करके, एक्सेस इंक को रिमूव करके इसको अगर मैं पेपर वेट पेपर पे प्रिंट करूँगा, वेट पेपर में प्रिंट करूँगा, तो इसका इम्प्रेशन जो है वो इंटेग्लियो प्रिंट होगी। तो इंटेग्लियो प्रिंट में गीले पेपर का प्रयोग होता है, रिलीफ प्रिंटिंग में सूखे पेपर का प्रयोग होता है। अब जब सनतकर जी ने जो किया वो उस समय बहुत सारे टेक्निकल एक्सपेरिमेंटेशन चल रहे थे प्रिंट मेकिंग में, तो सनतकर जी ने वुडकट किया, इवन कार्डबोर्ड की यूज़ किया उन्होंने, सिंपल माउंट बोर्ड है वो उसका भी प्रयोग किया, उसमें वुडकट की तरह उन्होंने लाइन कटिंग की, कार्विंग किया। अब वो कार्विंग को उन्होंने इंटेग्लियो फॉर्म में प्रिंट किया, इंटेग्लियो मेथड से प्रिंट किया। तो इंटेग्लियो मेथड से आप जब प्रिंट करेंगे तो वुडकट में क्या होता है, आपको उसके आपको इंटेग्लियो प्रिंटिंग को ध्यान में रख करके, इंटेग्लियो इफेक्ट को ध्यान में रख के वुड को कार्विंग करनी है। और जब अगर आप रिलीफ वुडकट कर रहे हैं तो आपको इसको रिलीफ मोड पे आपको प्रिंट करना है, उसको ध्यान में रख करके वुड को कट करना होता है। मीन्स जहां आप रिलीफ प्रिंटिंग के लिए जहां आप लाइट रखना चाहते हैं वहां आप कार्विंग कर देते हैं, ठीक है,
लेकिन इंटेग्लियो में जहां आपको लाइट रखना है वहां कार्विंग नहीं करना है, जहां आपको डार्क रखना है वहां कार्विंग करना है। तो दोनों का, दोनों में बहुत डिफरेंस है, दोनों की ब्लॉक उस हिसाब से इमेजिन करके फिर कार्विंग की जाती है। एक क्वेश्चन और है मनिंदर सिंह का ही, प्लीज एक्सप्लेन इंक प्रिपरेशन एंड व्हिच इंक इज बेस्ट फॉर रिलीफ प्रिंटिंग, लेटर प्रेस और ऑफसेट, सभी प्रिंटिंग का नाम दिया। हाँ। मैं इंक, मैंने अभी वुड का पार्ट बता दिया कि वुड कैसी होनी चाहिए नेचुरल, उसी प्रकार एक पेपर का बता दिया कि पेपर कौन सा लेना है, उसी प्रकार इंक भी इम्पोर्टेंट है हमारे इस सारे प्रोसेस में। प्रिंटिंग इंक जो है वो लेटर प्रेस इंक के नाम से आती है बाजार में। लेटर प्रेस इंक बहुत रेयर अभी अवेलेबल है मार्केट में, तो अगर वो नहीं मिलती हैं तो हम ऑफसेट प्रिंटिंग इंक का प्रयोग भी करते हैं, जो प्लास्टिक बॉक्स में आजकल आती हैं ऑफसेट प्रिंटिंग इंक। ऑफसेट प्रिंटिंग इंक का ड्रॉबैक क्या है, ऑफसेट प्रिंटिंग इंक बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है, तो ऑफसेट प्रिंटिंग इंक बहुत जल्दी ड्राई होती है फास्ट, तो वो जितने न्यूज़पेपर प्रिंटिंग है वो आजकल ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन में वो प्रिंट होते हैं और वो ऑफसेट प्रिंटिंग इंक का प्रयोग करते हैं, तो वो हम उस इंक का प्रयोग हम प्रिंट मेकिंग में भी करते हैं, क्योंकि लोकल मार्केट में हमारे लेटर प्रेस इंक अवेलेबल नहीं होता, तो हम ऑफसेट प्रिंटिंग इंक का भी प्रयोग करते हैं वुड कट के लिए। तो ये जो ऑफसेट प्रिंटिंग इंक है ये हम आजकल रिलीफ प्रिंटिंग में भी यूज करते हैं, इंटेग्लियो प्रिंटिंग में भी यूज करते हैं, इवन लिथोग्राफी में भी यूज करते हैं, तो सब जगह यूज करते हैं, क्योंकि और दूसरे आप कंट्री में जाएंगे या दूसरे किसी बड़े सिटी में जाएंगे मुंबई में दिल्ली में, तो यहाँ पर आजकल जो शॉप हैं उनके पास में इंक डिफरेंट डिफरेंट, लिथोग्राफी की इंक अलग आती हैं, एचिंग की इंक अलग आती हैं, रिलीफ प्रिंटिंग के लिए आपको लेटर प्रेस इंक अलग आती हैं, तो बहुत तरह के वैरायटी हैं सभी इंक। आप यूरोप में जाएंगे या चाइना जापान में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एचिंग की इंक के लिए अलग से ट्यूब्स मिलेंगी, आपको वुडकट के लिए अलग से ट्यूब मिलेगी वाटर बेस, वहाँ वाटर बेस वुडकट होते हैं तो वो इंक अलग आती है उनकी। हम ऑयल बेस्ड इंक यूज़ करते हैं तो एचिंग के लिए अलग, ड्राई पॉइंट के लिए अलग, लिथोग्राफी के लिए अलग, वुड कट के लिए अलग, बहुत तरह के वुड इंक्स अवेलेबल हैं। जी सर, एक है, कैन वी यूज 4x शीट टू फॉर वुड कट, व्हाट mm इज बेस्ट फॉर इट? हाँ, जो 4x शीट है वो यूज तो करते हैं बट वो सॉफ्ट होती है थोड़ी सी, तो जब आप उसको प्रिंटिंग करते हैं तो वो थोड़ा सा उसमें बैंड मींस प्रेशर से वो थोड़ा सा प्रेस हो जाता है, तो इट इज नॉट सिमिलर एज वुड सरफेस। वो आप उसमें रिलीफ प्रिंटिंग कर सकते हैं लेकिन वुड कट का अपना एक फिनिश है और वो फॉरेक्स शीट का अपना एक फिनिश है। जी सर, फॉरेक्स शीट जो है बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत इजीली कट हो जाता है, तो स्टूडेंट जो हैं वो ज़्यादा मेहनत ना करने के बजाय वो उस पर काम कर देते हैं, लेकिन उसका उसका जो प्रिंटिंग जो एडिशन है वो आपको उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा जितना आपको वुड का एडिशन आप ले सकते हैं वुड प्रिंट का। जी सर, कैन वी प्रिपेयर इंक टू फॉर प्रिंट मेकिंग, व्हाट इज द प्रोसेसर? इंक प्रिपेयर करने का कोई प्रोसेस बहुत लंबा नहीं है, आप जैसे रेडीमेड इंक अवेलेबल है बॉक्स में, आप इसको जैसे लेके आते हैं तो आप जहाँ यूज करना है वो टेबल पे आप निकालिए थोड़ा सा नाइफ से स्पैचुला से, और उसमें अगर आप देखिए इंक को, इंक क्या होती है बॉक्स में रखे रखे हार्ड हो जाती है और ड्राई होने लगती है, तो उसको आप इंक को ग्लास पे स्लैब पे निकाल के नाइफ से अच्छे से उसको मिक्स कीजिए, चलाइए जैसे उसमें अच्छे से उसको मैश करना है उसको बढ़िया से, और अगर आपको लगता है कि फिर भी इंक हार्ड है तो थोड़ा सा आप इसमें लिंसिड ऑयल हम मिलाते हैं, लिंसिड ऑयल इस इंक में, लिंसिड ऑयल मिलाना है, केरोसिन ऑयल नहीं मिलाना है, है ना, तो लिंसिड ऑयल आप थोड़ा सा मिला करके, या ना ही इसमें टर्पेंटाइन ऑयल मिलाना है, केवल लिंसिड ऑयल
जो ऑयल है वो हम इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए इंक को हम मिक्स करते हैं, अदरवाइज उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती। जैसे अभी टेम्परेचर इतना हॉट है तो इसमें आप इंक जो है वैसे ही सॉफ्ट रहती है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होती। विंटर में इंक थोड़ी सी हार्ड हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो उसमें हम थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा हमें एडिशन करना पड़ता है। सर बस जी ठीक है, तो सर प्रिंटिंग का दिखाएं। जी सर जी प्रिंटिंग का रह गया अभी जी। प्रिंटिंग के लिए मैं जी सर ठीक है। जी सर जी ठीक है मैडम। हाँ जी सर बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर। आवाज आ रही है? हाँ जी वो क्लियर आ रही है। अच्छा प्रिंटिंग में हमें जो वुडकट है प्रिंटिंग के लिए नजर ना लगे फिर से गड़बड़? नहीं सर अभी तो अच्छी चल रही है। अब सब सही है सर, अभी अच्छी चल रही है सर ठीक है। अच्छा जी एक्चुअली मैं अभी ब्लूटूथ नहीं है ना, तो मैं सामान लेने के लिए गया तो वॉइस में भी वहां से इंटरप्ट हो गई होगी। आज बारिश भी है ना तो कनेक्शन की प्रॉब्लम इसीलिए भी है। अब ये मैंने जैसे वुड मैंने कट की हुई है ये हम रखेंगे, और एक और वुड मैंने कट की है जिसमें ये मैंने कैट बनाया हुआ है। जी सर जी, तो ये पहले से मैंने तैयार करके रखा था, सेम एमडीएफ बोर्ड है, बहुत थिन वाला बोर्ड है, तो इसको मैं ले लिया था। और एक मैंने प्रिपरेशन कर रखी है, आपको मैं बता रहा था कि ये जो वुड है, अब ये जो वुड है ये कैट वाली, इसके लिए मैंने एक अगर इसको मैं पेपर में प्रिंट करूंगा तो ब्लैक एंड व्हाइट ऐसे आएगा है ना जी, जी। तो इसके लिए अभी मुझे मुझे लगता है कि मैं इसके बैकग्राउंड में एक कलर एक टोन चाहिए, तो मैंने उसी साइज का एक दूसरा वुड तैयार कर रखा है ऐसे, तो ये मैं अभी आपको लेके बताता हूँ कैसे क्वेश्चन आएगा। ये मैंने अभी ऑफसेट इंक ही यूज कर रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ मार्केट में लेटर प्रेस इंक ऐसे अवेलेबल है, होता नहीं है, मिलता नहीं है। ये एक तरह का और बॉक्स आता है इंक का, ये लेटर प्रेस इंक है, तो ये अलग अलग कलर के हैं, ये येलो है रेड है इस तरह का। और ये जो इंक मैं यूज किया है अभी मैंने ये ऑफसेट इंक, इसका हम प्रयोग कर सकते हैं, इतना ज्यादा खराब नहीं है। अब मुझे लगता है कि इंक में थोड़ा सा मैं ये थोड़ा सा हार्ड है हमारे काम के लिए, तो मैं इसमें थोड़ा सा लिंसिड बिल्कुल ड्रॉप ऐड करूंगा।
इंक मैं इसके लिए अपना ये रोलर यूज कर रहा हूँ, तो ये रोलर की जितनी विड्थ है, जितना विड्थ है इसका यहाँ से, तो मैं इंक को उतनी ही विड्थ तक मैं स्प्रेड करूंगा ऐसे, ये ऐसे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, रोलर इतना बड़ा लिया, इंक को यहीं रख दिया ऐसे केवल एक जगह, तो वो सही प्रोसेस नहीं है। आपने रोलर इतना चौड़ा लिया है तो इंक को भी इतना ही वाइड आप स्प्रेड कीजिए, और उसके बाद इसको इस तरीके से आप रोलर ऐसे ऐसे नहीं घुमाना है, रोलर को एक बार चलाया फिर थोड़ा उठाना है, फिर ऐसे चलाना है, फिर उठाना है, फिर चलाना है, इससे क्या इंक प्रॉपर स्प्रेड होती है अच्छे से। तो इस तरीके से कर लिया आपने, आपको लगता है कि एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम इंक है ना, कई बार होता है यहाँ ज्यादा लग गई यहाँ कम लग गई, तो आप रोलर को ऐसे भी चला लीजिए। तो अब क्या होगी, पूरे सरफेस में बराबर इंक स्प्रेड होगी। ये सारे के रफ शीट रफ उस पे रख करके अच्छा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैं जो रोल कर रहा हूँ ये रोल करना है, ऐसा नहीं है कि एक बार आपने इंक लगाया और एक बार वुड में लगा दिया इसका मतलब फिनिश हो गया, खत्म हो गया, आपका लग गया, ऐसा नहीं है। आपने लिया थोड़ा फिर लगाया, तो पहली बार जब फर्स्ट टाइम जब आप इंक लगा रहे हैं वुड में तो आपको थोड़ा ज्यादा रोलिंग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि नए नए आप वुड पे इंक लगा रहे हैं, तो इस पे आपको ये ध्यान रखना है कि थोड़ा ज्यादा रोलिंग करें और हर एक कॉर्नर तक आपको रोलर चलाना है। ऐसा नहीं है कि आपने आधा आधा चलाया केवल आधे सरफेस में आधा रह गया, ऐसा नहीं, आपको इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक अच्छे से रोलिंग करनी है प्रॉपर, आप हर एक एंगल से इसमें रोल कर दीजिए इस तरीके से। मुझे लगता है कि अभी थोड़ा इंक कम है तो मैं और इसमें इंक थोड़ा और बढ़ाऊंगा, और ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार में ज्यादा इंक लेकर के आप ज्यादा एक ही बार रोल करके फिर लगा दें, ऐसा नहीं है। उससे क्या होता है, जो इंक जो वुड में ब्लॉक में आपके जो फाइन लाइंस हैं उस पे आप इंक फिल हो जाती है, अगर आपने बहुत ज्यादा इंक ले ली रोलर पे तो आपकी जो फाइन लाइंस हैं कार्विंग की वो उससे इंक फिल हो जाती है, और जो लाइंस पे फिल इंक हो जाएगी तो आपका इम्प्रेशन जो है वो अच्छा नहीं आएगा, जो आपने कार्विंग की उससे ज्यादा ब्लैक आएगा। इंक लगा दी है, ये अब लगभग ये मेरे बोर्ड से इंक रेडी हो गया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक वाइट पेपर लिया मैंने, इस वाइट पेपर पे मैंने मार्जिन बनाया है इस वुड को, इंक लगाने से पहले मैंने मार्जिन बना के इसको रेडी रखा है, और ये साइज का मैं पेपर लूंगा, ये साइज का मेरा वुड का इम्प्रेशन है। ये पेपर के ऊपर मैं वुड को ऐसे प्लेस करूंगा यहाँ पर इस तरीके से, इसको मैं थोड़ा सा और नजदीक ले आऊं अगर प्रॉपर देख पा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल क्लियर। ये मैं प्रिंटिंग का प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, एक मैंने वुड रख ली है जिसपे स्लिप नहीं होगा, ये वाइट शीट है
उसके ऊपर मैंने वुड को प्लेस किया प्रॉपर। अब ये जो पेपर है, ये पेपर का थोड़ा स्मूथ साइड जो है वो मैं यहाँ पर रख करके एक ही बार में छोड़ना है इसको, क्योंकि वुड में आपके इंक लगी हुई है तो आप पेपर को रखने के बाद हिलाना नहीं है, इसको एज इट इज छोड़ देना है, जैसा प्लेस हो गया वैसे छोड़ दीजिए। अब इसको प्रिंटिंग कैसे करनी है, पेपर आपने रख दिया, थोड़ा सा हाथ से इसको हल्का सा कर सकते हैं प्रेस किया। अब इसके बाद आप ये जो स्पून है, हर एक घर में स्पून होते हैं इस तरह के, ये स्पून से आपको वुड पे प्रेस करना है। ये मैनुअल प्रोसेस है, आप इसके लिए किसी मशीन की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार के किसी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है। आप घर पे आपके पास एक छोटा सा ग्लास हो, एक छोटा रोलर हो, प्रिंटिंग इंक हो, तो आप इसको आराम से घर पे अपने काम कर सकते हैं। इसके लिए किसी प्रकार की किसी मशीन की जरूरत नहीं है। प्रिंट मेकिंग में ये एक ऐसा मीडियम है जिसमें किसी प्रकार की मशीन की जरूरत नहीं है। आप इसको इतना छोटा वुड भी कर सकते हैं और बड़े से बड़ा 4x8 feet का साइज का बड़े बड़े वुड करते हैं, तो इतने बड़े वुड करने के लिए इतनी बड़ी मशीन तो होती नहीं है। तो जितने आर्टिस्ट हैं वो इस तरह के स्पून से, या तो स्पून ले लीजिए या पेपर का जो वेट होता है, पेपर वेट ग्लास का, हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, या कांच की कोई बॉटल हो, कांच की कोई बॉटल हो उसको भी हम, वो भी इससे भी हम रबिंग कर सकते हैं। इसका हमारा पर्पज है इसको रबिंग करना, इसको प्रेस करना। अब देखिए ये मैं स्पून से इसको प्रेस कर रहा हूँ, ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, जहां जहां वुड है वहां वहां मैं इसको प्रेस करूंगा ऐसे। तो ये प्रेस करने का और प्रिंट करने का तरीका है, जो आपने ये हाथ है, ये हाथ मैंने ऐसे रखा प्रेस करने के लिए, और ये जो थंब है, ये थंब और फिंगर के ये जो पोर्शन है, मैं स्पून को यहाँ पर ही रोटेट करूंगा ऐसे। ऐसा नहीं है कि हाथ को मैंने यहाँ रखा और यहाँ घिस रहा हूँ, मैं इधर घिस रहा हूँ, मैं उधर घिस रहा हूँ, ऐसा नहीं। आप जहां जहां हाथ, जहां जहां रबिंग करना है, आप हैंड को वहां वहां ऐसे मूव करते जाइए। तो इससे क्या है, आपको ध्यान में रहता है कि आपने वुड को एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक आपने रबिंग करते हुए आ रहे हैं धीरे धीरे। अभी मैं इसका आपको इम्प्रेशन थोड़ा सा लेके दिखाऊं। अभी मैंने थोड़ा सा किया है, थोड़े से एरिया में रबिंग किया है, इसका इम्प्रेशन ऐसा आ रहा है, देखिए ये। जी सर, जी दिख रहा है? हाँ जी सर। अब इसमें देखिए, हाँ, ये जहाँ मैंने स्पून चलाया है वो एरिया डार्क आ रहा है प्रॉपर, है ना, और जहाँ मैंने स्पून नहीं चलाया वो एरिया बिल्कुल हल्का है, ये साइड बिल्कुल हल्का है जहाँ मैंने अभी स्पून नहीं चलाया। तो आपको स्पून चलाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका वुड है, वुड के ऊपर से जो पेपर है वो हिलना नहीं चाहिए। वो कई बार होता क्या है, बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट हैं, ये बहुत सारे हमने भी अब पहले खराबी की है शुरुआत में, जब हम सीख रहे थे तब, तो उसमें क्या होता था, हम कर तो रहे काम यहाँ पर ऐसे ऐसे और सारा फिनिश हो गया, आखिरी में आखिरी स्टेज पे जाके ज्यादा खुशी में हमने पेपर को हिला दिए, तो हमारा जो सारा मेहनत है वो बेकार हो जाता है। तो एक अच्छा जो प्रिंट मेकर है, अगर आपका आपका टीचर अच्छा है या उनको जैसे उनको पता है कि वुड कट की जैसे क्वालिटी, प्रिंट की क्वालिटी, या एक आर्टिस्ट भी उसको अच्छे से जज कर लेता है कि आपका प्रिंट बिल्कुल परफेक्ट आया है या आपका प्रिंट थोड़ा सा हिल गया है, तो जो हिले हुए प्रिंट है वो हमारे किसी काम के नहीं रहते, आप इसलिए इसको बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से इसको प्रेस करके आपको रबिंग करनी है। तो मैंने दो चीजें बताई कि एक तो ब्लॉक मेकिंग और दूसरा प्रिंटिंग। प्रिंटिंग भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि ब्लॉक बनाना। केवल ब्लॉक बना देने से प्रिंट निकल जाएगा ऐसा नहीं है, इसके लिए भी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है प्रिंट निकालने के लिए।
तो ये जो आर्टिस्ट जो काम कर रहा है, जो प्रिंट निकाल रहा है जो अपने काम का, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा कि उसने सब तरफ अच्छे से स्पून के साथ इसकी रबिंग कर दी है या नहीं की, तभी इसका प्रिंट इंप्रेशन अच्छा आएगा। अगर आपने सारे वुड पे आपने प्रेस कर दिया और कुछ जगह पे आपने छोड़ दिया, तो उससे भी जो है आपका जो प्रिंट का जो सही पर्पस है वो सॉल्व नहीं होगा। सर जहाँ ज्यादा रबिंग होगी वहाँ ज्यादा डार्क प्रिंट, और जहाँ कम होगी वहाँ कम लाइट प्रिंट, ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं नहीं, हाँ जहाँ जहाँ आप अच्छे से स्पून चलाएंगे वहाँ तो प्रिंट अच्छा आएगा, अच्छा आएगा, डार्क नहीं आएगा, अच्छा आएगा। जहाँ पर आप स्पून कम चलाएंगे वहाँ प्रिंट लाइट आएगा, ये होता है। तो ये डिपेंड करता है आपने वुड पे इंक कितनी लगाई है, है ना। अगर आपने वुड पे इंक ही कम लगा के रखी हुई है तो आपका प्रिंट डार्क आएगा नहीं, प्रॉपर इंप्रेशन अच्छा आएगा नहीं। तो इसीलिए जो इंक लगाते समय भी हमें ध्यान रखना है कि इंक कितनी क्वांटिटी में होना चाहिए, और प्रेस करते समय भी इम्पोर्टेंट है कि प्रेस आपका सब तरफ इवन हो अच्छे से। इसको प्रेसिंग में टाइम लगता है थोड़ा, अच्छा अब ये आपने हमने प्रेस कर दिया, इसको एक बार थोड़ा सा चेक भी करना है। चेक करने के लिए हम इसको थोड़ा सा एक तरफ से दबाया, आपने पेपर को दबाया, थोड़ा सा हम उठा के देखेंगे इम्प्रेशन अच्छा आया कि नहीं आया। ठीक है, हम एक तरफ तो सही आ गया, हम दूसरी तरफ भी देखेंगे कि सही आया कि नहीं। तो ये प्रोसेस करते समय आपका पेपर हिलना नहीं चाहिए, बस आपको ये ध्यान रखना है। ये देखिए अभी अभी ये एक दो जगह व्हाइट व्हाइट स्पॉट आ रहे हैं इसमें, जहां पर मैं इसको अच्छे से प्रेस कर दूंगा। अब मेरा जो प्रिंट है बिल्कुल रेडी है ये, ऐसे ये इस तरीके से। जी सर, ये सारा इंप्रेशन अभी प्रॉपर ब्लैक आ गया अच्छे से जी। तो ये इस तरह का एक, तो ये ब्लैक एंड व्हाइट हो गया है ना। अब मुझे लगता है कि मुझे ये व्हाइट जो है, इस व्हाइट पार्ट में मुझे एक कलर कोई लेना है, तो वो मैं कैसे करूंगा? तो उसके लिए मैंने बताया कि सेम साइज का आप एक वुड जो है, सेम साइज का दूसरा वुड लेकर के, ये मैंने उसी साइज का दूसरा वुड लिया, उसमें ये ट्रेसिंग पेपर से मैंने इसमें ट्रेस की थी इमेज, तो ये इमेज उसी जगह पे प्लेस हो गई। अब बाकी पोर्शन पे मैंने कलर जैसे यूज करना था वो कर लिया, तो मैंने एक कलर पेपर प्रिंट करके रखा हुआ है, आपको मैं वो दिखा दूं। इसके मैंने दो तैयार किए थे, जैसे एक एक ये तो है येलो। हाँ जी सर, एक येलो बैकग्राउंड एक ले लिया मैंने फ्लैट कलर, ठीक है। दूसरा एक मैंने लिया था थोड़ा सा, ये देखिए अब ये इसमें फर्क क्या है नजर आ रहा है, ये दो कलर हैं, इसको मैंने रोलर पे, ये रोलर है
रोलर पे एक जगह येलो लगाया, एक जगह रेड लगाया। येलो एकदम प्रॉपर येलो नहीं, येलो में मीन्स व्हाइट के साथ में हमने थोड़ा येलो मिलाया और फिर हमने रेड एक जगह पे रखा और इसको हमने ग्लास पे रोल किया। तो इसको ग्लास पे रोल किया तो क्या हो गया हमारे पास, जब हम उसको वुड में चलाए तो ये हमारे पास दो कलर साथ में मिल गए। इसमें मैंने केवल येलो कलर लिया था तो ये ऐसा आया, इसमें मैंने दो कलर चलाए एक साथ। अब ये जो व्हाइट स्पेस दिख रहा है, ये व्हाइट स्पेस क्यों छोड़ा, यहाँ पर मैंने ये जो इमेज बनाई थी ड्राइंग, इस ड्राइंग का मैंने एक ट्रेस किया था पेपर पे, वो पेपर का मैंने स्टेंसिल कट कर लिया। अच्छा वो लगा रखा था, आपको दिखाता हूँ एक बार। राइट सर, ये देखिए, ये पेपर की मैंने ड्राइंग जो पहले की थी, ट्रेसिंग की थी, ये मैंने उसमें से एक पेपर कट कर लिया जी। तो इस ये पेपर कट करने के बाद क्या किया, मैंने वुड पे ये ड्राइंग को ट्रेस कर लिया। अब जब मैं इसमें इंक लगाया तो ये इमेज, ये ड्राइंग हमें दिखती है। अब मैंने ये पेपर भी मैंने कट किया था, ये पेपर कट किया, ये ड्राइंग यहाँ बना ली। जब मैं प्रिंट लेने के समय में इसमें इंक मैंने लगा दिया वुड में, अब जब मैं प्रिंट लेने के लिए जब मैंने करूँगा तो इसमें मैं ये ऐसे प्लेस कर दूंगा इस ये पेपर स्टेंसिल में मैंने ऐसे प्लेस कर दिया इस जगह पे, और इसके ऊपर मैं अपना प्रिंटिंग जो शीट है वो मैं ऐसे प्रिंटिंग शीट ऐसे रख करके मैंने इसको, मैंने हाथ से नहीं किया इसको, मैंने मशीन से किया तो मशीन में प्रेशर से जल्दी हो जाता है फट से। तो ये इसको हम हाथ से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने ये अभी स्पूनिंग की ब्लैक इंक लगाने के बाद में, ऐसे ही हम ये कोई भी कलर हम कोई भी लगाएं, लेकिन प्रिंटिंग का प्रोसेस मैनुअल वही है स्पून से या उसको रबिंग करके। तो ये इस तरह का इंप्रेशन आ गया। अब ये इसमें इंप्रेशन क्या आया, बाकी में तो कलर आ गया लेकिन यहाँ पर पेपर स्टेंसिल के कारण ये कलर नहीं आया, वाइट आ गया इसमें। अब मैं आप इसके ऊपर अगर मैं अपना ब्लैक ये प्रिंट को अगर प्रिंट करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पर ब्लैक और येलो का इंप्रेशन आएगा जी, बट यहाँ पर जो है वो इस जगह पे ब्लैक और वाइट का इंप्रेशन आएगा। ठीक है, तो मैं ये एक शीट पे करके दिखा दूं आपको। हाँ जी बिल्कुल सर, बड़ा ट्रिकी है ना ये शीट पे। मैं इसको हाथ से आपको प्रिंट करके दिखाऊं या मशीन पे करके दिखा दें? मशीन पे दिखा दीजिए सर, नेटवर्क पूरा साथ दे रहा है, इसलिए थोड़ा टाइम हमारा बोलो अच्छा भी करेगा नहीं तो खत्म करने की बारी आ गई जी। हां मैं थोड़ा जल्दी कर लेता हूं, सेशन है ये स्टूडेंट्स के लिए और इसी में गड़बड़ होने की। अच्छा जो मैंने बताया कि अब एक कलर तो हमने निकाल लिया, लेकिन दूसरा कलर हम निकालने के लिए जब हम इसको प्लेसिंग करेंगे पेपर की तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन पॉइंट बनाना बहुत जरूरी है, रजिस्ट्रेशन मार्क। वो रजिस्ट्रेशन मार्क भी इम्पोर्टेंट है वुड में। अब आपने एक ही पेपर पे आपको बार बार कलर करना है जी सर, प्रिंट लेना है एक ही पेपर पे, तो उस पेपर को आपने जैसे वुड से हटा लिया तो अब दूसरी बार फिर कैसे उस पर सेट करेंगे, तो वो इम्पोर्टेंस है। तो उसके लिए मैंने ये पेपर स्टेंसिल रजिस्ट्रेशन बनाया था और सेम साइज का पेपर लिया है। इसमें क्या करूंगा, मैं ब्लॉक रखूंगा इस एरिया में और पेपर को यहाँ कॉर्नर पे मिला करके मैं इस पे छोड़ दूंगा, जिससे सेम जगह ये इधर पे मशीन है ये, तो ये
अब ये मैंने ब्लैक इंक रोल करके वहां रख दिया। अब मैं ये जो कलर पेपर है इस पे प्रिंट करके दिखा रहा हूँ। मशीन में इसका हम प्रेशर रखते हैं, प्रेशर पे रखना जरूरी है। साथ में सारा ले आया मैं यहाँ पर। सर आपकी वीडियो ऑफ हो गई। सर आपकी वीडियो ऑफ हो गई। दिख रहा है सर आपकी वीडियो ऑफ हो गई। सर सर वीडियो इज ऑफ। हेलो राकेश जी। जी आया? वीडियो नहीं आ रही है मुझे। जी वीडियो नहीं आई? नहीं अभी भी नहीं। सर सर शायद ऑफ हो गई है आपकी वीडियो। वीडियो तो अवेलेबल है। सर अब आनी शुरू हुई। हाँ जी सर। जी हाँ जी सर जी आ गई आ गई आ गई आ गई। जी सर जी। तो ये मैंने अभी प्रिंट करके ऐसे ही लाके रखा है। अभी इसको लिख अब ये पेपर में लिफ्ट कर रहा हूँ। जी ये देखिए। वाओ बहुत सुंदर। वाह ये है वो डबल। ये देखिए ये जो प्लेस है जहाँ व्हाइट मैंने स्टेंसिल रखा था ये प्रॉपर व्हाइट है ब्लैक एंड व्हाइट और बाकी जगह ये कलर आ गया। बहुत सुंदर सर। तो ये इस तरह का हम इसमें तो मैंने एक बेस में एक कलर लिया। जी इस तरह का एक बेस में एक कलर लिया। इसके इस तरह से हम मल्टीपल कलर्स ले सकते हैं इसमें। मल्टीपल कलर्स मल्टीपल टाइम्स। और हम जैसे अभी मैंने दो ब्लॉक यूज किए। एक तो ब्लैक एंड व्हाइट के लिए अलग यूज किया। एक इसके कलर लेने के लिए हमने दूसरा ब्लॉक यूज किया। तो इस तरीके से ये मल्टी ब्लॉक प्रोसेस में और भी हम काम कर सकते हैं। बढ़िया। एक ये कैट मैंने बनाई थी इसको भी मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ। इसके लिए शीट मैंने इस तरह की यूज की थी। इस पे मैंने ऐसे हॉरिजॉन्टल में येलो और रेड कर लिया हुआ है। तो इस पे भी मैं करके दिखाता हूँ आपको। सर अभी आप किस शीट पर प्रिंट कर रहे हैं सर? जी किस शीट पर प्रिंट कर रहे हैं सर इस समय अभी आप? ये मैं कार्टे शीट है कार्टे okay. शीट पे प्रिंट कर रहा हूँ। ओके सर। हाँ जी तो अगर कोई क्वेश्चन है कि प्रिंटिंग से रिलेटेड तो
तो वो भी मैं बता सकता हूँ, डिस्क्राइब कर सकता हूँ अगर किसी का कोई समय देखती हूँ प्रिंटिंग से रिलेटेड। हाँ जी अच्छा, वुडकट में सबसे इम्पोर्टेंट है, देखिए हर एक पार्ट इम्पोर्टेंट है वुडकट में। वुडकट का आवाज जा रही है मेरी? हाँ जी बिल्कुल सही आ रही है। प्रिंट मेकिंग में हर एक पार्ट इम्पोर्टेंट है, जिसमें मटेरियल सिलेक्शन ऑफ मटेरियल से लेकर के उसको प्रोसेसिंग तक सब कुछ इम्पोर्टेंट है। हम किसी चीज को हम ये नहीं बोल सकते कि इसको हम ऐसे ही करने के लिए हम यूज कर सकते हैं तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हर एक चीज इम्पोर्टेंट है। अभी मैं पीछे मशीन में इसको प्रिंट करके अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। जी सर, जी जी ये मैंने कैट में इंक लगा दी है और इसको मैं प्रिंट करने के लिए जा रहा हूँ। ये प्रिंट करके मैंने ले आया वहां से मशीन से। जी सर, बहुत सुंदर सर। तो आपने इसमें जो लाइट पार्ट दिख रहा है वो आपने सारा? जी, जो ये वुड मैंने दूसरी वाली यूज की थी तो इसका जो बहुत क्लोजअप जो इम्प्रेशन है बहुत अच्छा नहीं है। जो ये जो वुड मैंने यूज की थी ये डिफरेंट यूज की थी तो इसकी शार्पनेस ज्यादा है, इसकी शार्पनेस थोड़ी सी कम है। जी तो ये हम यहाँ पर हम ऐसे डिफरेंस हम देख सकते हैं। और इसमें मैंने स्पोक्स थोड़े से डिफरेंट रखे थे, ये कैट बनाया है, बहुत ज्यादा डिटेल मैंने नहीं किया है, सिंपल ऐसे ही रखा हुआ है। बैकग्राउंड में डिटेलिंग है लेकिन। और इसमें मैंने कोई स्टेंसिल यूज नहीं किया, डायरेक्ट ही फ्लैट किया था। इसमें मैंने स्टेंसिल का प्रयोग किया। तो ये विथ स्टेंसिल हम ऐसे किसी चीज को हम ऑफ कर सकते हैं, किसी चीज को हम प्रिंट कर सकते हैं। ये हम इस तरह से कर सकते हैं। अगर मुझे और भी कलर, अब मैंने बेस में एक कलर लिया, इसके अलावा मुझे चाहिए था कि मैं ब्लैक प्रिंट ना करूं और कोई दूसरा कलर करूं तो मैं दूसरा कलर भी कर सकता था। फिर उसके बाद मुझे लगता है कि कहीं ब्लैक चाहिए तो फिर मैं ब्लैक कर सकता हूं। जैसे अब ये कैट है तो कैट में मुझे ब्लैक चाहिए, बाकी में नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, कैट के यहाँ पर हम एक स्टेंसिल रख देंगे और पहले हम बैकग्राउंड में हम ब्राउन कलर प्रिंट कर लेंगे। ब्राउन करने के बाद में हम बाकी जगह कवर कर देंगे और यहाँ पर केवल ब्लैक हम इम्प्रेशन ले लेंगे। तो इस तरीके से हम ब्लॉक करके एक कलर को दूसरा कलर हम कर सकते हैं। और एक ब्राउन के ऊपर ब्लैक आ सकता है तो हम पूरे वुड में ब्राउन कर दिए और जहां ब्राउन रखना है वहां पर हम ब्लॉक कर देंगे स्टेंसिल से, बाकी में हम ब्लैक कलर प्रिंट कर सकते हैं। तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो फ्रॉम लाइट टू डार्क हम कलर भी हम प्रिंट कर सकते हैं। जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सेशन। सभी के क्वेश्चन, दो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला ब्लॉक मेकिंग, दूसरा
जी, अब अगर कोई क्वेश्चन हो तो हम बता सकते हैं। सर ट्रांसपेरेंसी के लिए पूछा है, प्रिंट में अगर ट्रांसपेरेंसी लानी है तो वीडियो में बंद कर दूं अभी सर? बस लास्ट क्वेश्चन है सर, हो गए और कुछ नहीं है सर। ओके जी, हाँ शार्प करने का जो तरीका मैं बता रहा था, अभी वीडियो चल रहा है तो मैं दिखा देता हूँ शार्प कैसे करना है। जो ये यू शेप जो टूल होती है, यू शेप टूल, इसको शार्प करने के लिए ये कार्बोरेंडम स्टोन है, ये इस पे हम इसको ऐसे ऐसे इस तरह से ऐसे शार्प करना है। Is it visible? Yes, sir. Yes, yes sir. Clear. Hello. हाँ जी सर. दिख रहा है सर, बिल्कुल साफ clear. Hello. सर दिख रहा है. सर voice आ रही है आपको? ये tool sharp करने का मैं बता रहा था. सर आपकी टेबल के पास network problem है सर. टूल शार्प करने के लिए ये इस तरह से कार्बोरेंडम स्टोन है, तो इसपे हम ये यू शेप टूल, तो यू शेप टूल को थोड़ा सा ऐसे घुमाना पड़ता है, फ्लैट हम एक ही जगह रख के ऐसे ऐसे रखनी जी। सर नहीं दिखाई दे रहा है सर वीडियो, सर नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। चलिए हम ऑफ कर देते हैं ऑडियो से। जी सर, हाँ जी, कनेक्शन अनस्टेबल है शायद नेटवर्क। सर आपकी प्रिंटिंग टेबल के पास कनेक्शन अच्छा था। अच्छा, सर इस टेबल के पास आने पर वॉइस कट जाती है। वर्किंग टेबल सही नहीं है, प्रिंटिंग टेबल सर सही में वहाँ पर तो सब सेशन अच्छा चला सर, यहीं पे प्रॉब्लम आ रही है सर। अभी बताइए, अभी सही है थोड़ा? नहीं सर। हाँ जी सर, अब ठीक है सर। जी सर अब ठीक है सर। ठीक है, फाइन। हाँ जी, यहाँ परफेक्ट कनेक्शन है। तो मैं ये बता रहा था कि शार्प कैसे करते हैं टूल को। जी सर, टूल को शार्प करने के लिए ये कार्बोरेंडम स्टोन मैं बता रहा था, और ये एक बारीक जो रेती मिलती है मार्केट में, ये बारीक पेंसिल की तरह छोटी, जी इन दोनों का यूज मैं बताऊंगा कैसे करना है। अब यू शेप जो टूल है इसमें रेती का जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ स्टोन जो है कार्बोरेंडम स्टोन, इस पे आप ऐसे रखेंगे इस पे, और टूल को यू शेप है तो यू शेप में ऐसे थोड़ा घुमाना है, रोटेट करना है ऐसे, इस तरह से ये ऐसे रोटेट करना है आपको, थोड़ा सा ऐसे ऐसे घुमाना है। वी शेप जो टूल है, वी शेप को कैसे शार्प करना है, वी शेप एक बार हम ऐसे रगड़ेंगे इस तरह से, ऐसे खींचेंगे, फिर दूसरी तरफ से हम उसको ऐसे खींचेंगे इस तरीके से, तो ये वी शेप ये इस तरह से होगा, इसको हम ऐसे ऐसे नहीं घुमाएंगे नहीं तो ये नीचे से राउंड हो जाएगा। हम इसकी वी जो वी फॉर्म है इसको मेंटेन रखेंगे, और वी फॉर्म को मेंटेन रख के हम ऐसे करेंगे। कई बार क्या होता है, वुड जो आपका टूल है वो अंदर से बेंड हो जाता है, मींस ये अंदर जो इसका टिप है वो अंदर की तरफ मुड़ जाता है, तो उसके लिए हम ये फाइलर ये रेती का प्रयोग करेंगे, इससे हम इसको थोड़ा अंदर की तरफ से हम ऐसे इसको इस तरीके से इसको थोड़ा रब करेंगे, तो जो अंदर वुड जो अंदर जो टूल आपका मुड़ गया है बैंड हो गया है वो इससे सही हो जाता है, तो इस तरीके से टूल को शार्प करना है। जी सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच।
अमिता मैम उसके कारण बहुत सारी चीजें छूट गई। जो मैं आपको एक और प्रोसेस बताने वाला था कि वुडकट में हम ये जो टूल हम ट्रेडिशनल टूल्स हम यूज करते हैं, ये ट्रेडिशनल टूल की बजाय हम थोड़ा एक्सपेरिमेंट ही कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट इन द सेंस, आपके पास अगर कटर है, कटर जो जिसे पेंसिल कट करते हैं, हम उस कटर से भी बहुत कुछ ऐसे स्क्रैचेस मार करके हम इफेक्ट ले सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। और एक दूसरा एक और ये पावर टूल जैसे ग्राइंडर है आपका, ड्रिलर, ड्रिलिंग मशीन है, आप इस पे बिट लगा के आवाज सर फिर कटने लगी सर आ रही है। तो मैं बता रहा था कि इस तरह के जो ड्रिलिंग मशीन है इसमें सामने बिट लगा करके आप इसको इलेक्ट्रिक कनेक्टेड करके आप इसको ये आप चालू करेंगे तो घूमेगा, और उसको लेकर के आप वुड में डायरेक्ट ड्राइंग करें या आपके वर्क के अकॉर्डिंग आप ड्राइंग करें, इस टूल का प्रयोग करें, तो इससे क्या होगा, जो सामने जो ड्रिलिंग बिट है उससे वुड में सरफेस क्रिएट होंगे, डेप्थ क्रिएट होगा। हम उस मेथड से भी हम ड्राइंग कर सकते हैं, उस मेथड से भी हम ड्राइंग कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको आपको टूल ही चलाना है। हमें रफ सरफेस क्रिएट करना है, प्लेन सरफेस में रफ सरफेस क्रिएट करना है, डेप्थ क्रिएट करना है। तो डेप्थ आप चाहे हैंड टूल से करें या मशीन टूल से करें, इलेक्ट्रॉनिक टूल से करें, इससे भी करके हम क्रिएट कर सकते हैं। और उससे रोलर से प्रिंटिंग प्रोसेस वही रहेगा, रोलर हैंड प्रिंट, अगर मशीन नहीं है तो हाथ से प्रेस करना है, और अगर मशीन है तो मशीन में एक लिमिटेड साइज ही कर सकते हैं, जितनी बड़ी मशीन है उतना ही बड़ा आप प्रिंट कर सकते हैं, उससे बड़ा नहीं कर सकते। लेकिन हैंड स्पूनिंग करके आप आपका परफेक्शन धीरे धीरे काम कर करके ही आएगा। तो मे बी इन द स्टार्टिंग 2-4-10 प्रिंट आपके खराब होंगे, लेकिन हर एक आप वो खराब प्रिंट आपके अच्छे प्रिंट में काम आएंगे। वो कैसे कि वो खराब प्रिंट जब तक नहीं होंगे तब तक आप अच्छे से लर्न नहीं कर पाएंगे, और ये सभी के साथ होता है। हाँ, लेकिन ध्यान से काम करना जरूरी है। जी सर, जी सर, मुझे लगता है आज का सेशन बहुत कुछ सीखने को मिला होगा हम सबको ही, और मेरे पास मैसेज भी बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, हालांकि थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम रही सर, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा रहा सर, नेटवर्क ने साथ दिया। बड़ी प्रॉब्लम हो गई आज सर, अभी बहुत कुछ ऐसा लगता है आपके, तो दो तीन सेशन और ले लेने चाहिए। दूसरी जो मेरे स्टैंड ब्रोक सर, नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा एक और वर्कशॉप कराएंगे, और तीन दिन की वर्कशॉप कराएंगे। अमिता मैम को बुलाना चाहूंगी, वो थैंक्स। जी जी श्योर। राकेश जी, आपको किन शब्दों में आभार व्यक्त करूं, क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम के साथ जूझते हुए और सबकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना, और अपना आर्ट को सेशन में आ जाते हैं जब पार्टिसिपेंट सामने हो और हमारा नेटवर्क दिक्कत करे, तो जो बताना चाहते, लेकिन आपने पूरा समय देके बहुत पेशेंस के साथ अपनी साधना को हमारे सामने रखा है, इसके लिए हम आपको बहुत साधुवाद देते हैं। निश्चित रूप से हमारे पार्टिसिपेंट्स आपका लाभान्वित हुए होंगे। थैंक्स बोलना चाहता हूं कि जी देखिए ऑनलाइन सिटी के साथ साथ उसके कुछ डिमेरिट्स हैं, वो डिमेरिट्स यही है कि कनेक्शन से एक बार प्रॉब्लम है, हमें उसके साथ चलना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा फायदा उसका ये है कि हम आप जैसे साधकों के साथ
एक परिचय लेने का एक मौका भी हमें इस ऑनलाइन से मिला है। तो हाँ जी, जरूर जरूर, बहुत अच्छा रहा कि सारे लोग हम ऐसे समय में भी हम ऐसे लगता है कि हम आसपास हैं और सब हम आसपास हैं और जो हमारी कला साधना चल रही है तो उसको जितना लोगों तक पहुंचा सके, आपका ये जो प्रयास है ये बहुत ही प्रशंसनीय है। मैं हृदय से आपका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वंदना तो प्रेरणा है पूरे कार्यक्रम की। उन्हें तो जितना धन्यवाद दिया जाए सर उतना भी कम है। एक से एक अच्छे आर्टिस्ट को ऐसे परिचय कराने का मौका दिया है। थैंक यू मैम सर, लेकिन हम आपके साथ एक बार दोबारा से जुड़ना चाहते हैं। सभी एक सेशन और चाहिए इसका। अभी कंप्लीट नहीं हुई, सारी चीजें रह गई और शायद समय सीमा भी थी हमारी, तो हमने इसको वो बीच में सर के पास ज्यादा था और हम कम ले पाए, तो अपने स्टूडेंट्स के लिए एक सेशन दोबारा से इसके बाद हम फिर करेंगे। थैंक यू राकेश सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू मैम।